और चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ। विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन है। सदन में गैर सरकारी दिवस, सदन के सदस्य इस पर संकल्प पेश करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार उग्र है। विधायक निधि रोके जाने से भी विपक्ष नाराज है। इसको लेकर सदन में बीते दो दिनों से गतिरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष ने इसको लेकर वॉकआउट भी किया है और आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है। कई प्रस्ताव हैं जिन्हें पारित किया जाएगा। वाटर सेस उनमें एक अहम है। इसके अलावा विपक्ष का हो हल्ला फिर देखने को मिल सकता है। डी नोटिफिकेशन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। इसके अलावा विधायक निधि को रोके जाने पर भी विपक्ष लगातार उग्र होकर अपनी आवाज ऊंची कर रहा है। बीते दो दिनों से प्रश्नकाल के दौरान से ही हंगामे की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके साथ विपक्ष लगातार अपनी आवाज तेज किए हुए है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। वहीं बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 की रिपोर्ट सीएम पेश करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पर आधारित कैग की रिपोर्ट को भी आज पेश किया जाना है। वहीं वाटर सेस विधेयक आज पारित किया जाएगा। और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है, जाहिर सी बात है आज भी गतिरोध देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ अहम रहने वाला है आज के दिन की कार्यवाही में? रणबीर, जी हाँ जैस्मिन, आज तीसरा दिन है। लगातार दो दिन हमने देखा कि प्रश्नकाल नहीं हो पाया है। दोनों दिन जो है नियम 68 के तहत जो है स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था और जो गतिरोध हमने दो तीन देखा, जो हंगामा पिछले कल भी बरपा, और ये आज देखना होगा कि प्रश्नकाल अगर होता है कि उसमें भी विपक्ष के पास मौका तो जरूर है, और ये भी देखना होगा कि क्या कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है लिया जाएगा प्रश्नकाल से पहले, या कोई चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जाएगी। खैर, ये देखना होगा, लेकिन अहम बात आज ये है कि आज जो विधेयक है वो पारित होना है जिसमें वाटर सेस लगाया जाना है। डिप्टी सीएम ने इसको जो है सदन में पेश किया था पहले दिन, और आज इस पर जो है चर्चा होगी और उसके बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। और आज जो है चार संकल्प भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसे कि आज जो है प्राइवेट मेंबर डे है, चार संकल्प इसमें आज चार सदस्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बड़ी और अहम बात आज की ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण आज मुख्यमंत्री जो है जो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट को सभा पटल पर मुख्यमंत्री रखेंगे, उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। इसमें देखिए, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है और इसमें ये पता चलता है कि आखिर हिमाचल की जो स्थिति है, आर्थिक सेहत हिमाचल की, वो किस तरह की है। तो ये इस पर भी जो है नजरें बनी रहेगी कि किस तरह की जो है आर्थिक स्थिति हिमाचल की रही है पिछले वित्तीय वर्ष में। तो अगर हम प्राइवेट मेंबर डे की बात करें तो चार संकल्प जो आज प्रस्तुत किए जाने, उसमें सबसे पहला जो संकल्प है उसके माध्यम से सिफारिश सरकार से की जाएगी। जो राजेश धर्माणी है कांग्रेस के विधायक, वो जो है सिफारिश करेंगे। उन्होंने चर्चा मांगी है कि सदन इस बात पर विचार करे कि जो विभिन्न विभागों के जो भवन बनाए गए हैं, जो एफसी और एफआरए की अनुमति के बाद जो भवन बने हैं उनको एक मुश्त जो है रेगुलर किया जाए, ये संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो भी अपने विचार रखेंगे और इस पर सदन विचार करेगा। दूसरा जो संकल्प है वो विपिन सिंह परमार प्रस्तुत करेंगे। उसमें सदन से ये मांग की जाएगी कि जो जल विद्युत परियोजना है उसमें जो स्टेट शेयर है वो बढ़ाया जाना चाहिए, और लाभांश जो होता है उसमें जो लाभ है उसमें भी स्टेट शेयर जो है वो बढ़ाया जाए, इस पर एक नीति लाने पर विचार किया जाए। ये संकल्प उनके माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और सुखराम चौधरी जो पौंटा साहिब से भाजपा विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक संकल्प जो है प्रस्तुत किया जाए। उसमें जो जंगली जानवरों से फसलों को जो नुकसान हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, उस पर नीति लाने पर विचार किया जाए, ये संकल्प सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके अलावा जो जीतराम कटवाल हैं,
भाजपा के विधायक, उनकी तरफ से भी एक संकल्प पेश किया जाएगा। जिस तरह से जो संविधान के तहत एक वेलफेयर स्टेट के तहत जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात कही गई है उसको मजबूत करने के लिए सदन से विचार करने और जो सामाजिक क्षमताएं हैं उनको दूर करने के लिए एक नीति निर्माण करने पर जो है यहाँ पर संकल्प बिल्कुल रणबीर। और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित कैग की रिपोर्ट को भी आज विधानसभा में पेश किया जाना है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि आज की कार्यवाही सदन की काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है तो शायद गलत नहीं होगा। साथ ही एक छोटा सा सवाल रणबीर ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से वाटर सेल्स लगाने की बात कही जा रही है, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको लेकर अब विरोध भी करना शुरू कर दिया। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीते कल की गई, तो क्या हम माने कि इस मुद्दे पर भी चर्चा संभव है विधानसभा में? देखिए, इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो देखना पड़ेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि बोझ इससे बढ़ेगा, इस तरह से जो है मनमाना फैसला राज्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, ये जो उपकर लगाया जाना है ये जल विद्युत परियोजनाओं पर लग रहा है, इससे आम जनता और किसी पर जो है कोई आर्थिक बोझ पड़ेगा नहीं। और दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वहां पर जो वाटर सेस लिया जाता है उसका राज्य सरकार ने ये दलील दी है, उसका अध्ययन किया गया है। जो उत्तराखंड की पॉलिसी है, उत्तराखंड ने जो सेस लगाया है उसी के तर्ज पर हिमाचल भी जल विद्युत परियोजनाओं पर ये सेस लगाएगा। देखिए, इसमें एक अहम बात और भी है कि ये वाटर सेस उन कंपनियों पर लगेगा जिनके जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर कमीशन्ड है। कमीशन्ड का मतलब ये कि जिनमें बिजली उत्पादन हो रहा है। कुल ऐसी जो 172 परियोजना है जिनमें बिजली उत्पादन हो रहा है, करीब 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हिमाचल करता है, तो उनमें जो है ये सेस लगाया जाएगा। और इस पर जो है लगता नहीं कि शायद कोई ज्यादा इस पर चर्चा होगी, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति जिस तरह की है तो संसाधन हिमाचल को बढ़ाने होंगे, और जो जल है, जल विद्युत परियोजनाएं है और बिजली है, ये जो है एक बड़ा संसाधन यहाँ राज्य के पास है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आज इस पर जब ये विधेयक पारित करने से पहले जब इस पर चर्चा होगी तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और इसी के साथ कई अहम मुद्दे हैं जो आज विधानसभा की इस कार्यवाही में देखने को मिलेंगे, जिन पर चर्चा होगी। और इसी के साथ विपक्ष किस तरीके से आज नजर आएगा, कितना उग्र और किस तरीके से नोकझोंक आज विपक्ष की और सत्ता पक्ष की रहेगी, ये देखना भी काफी अहम होगा। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन संस्थानों को बंद करने और दफ्तरों को डी नोटिफाई करने के मुद्दे पर सदन में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 68 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया और संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। आज भी प्रश्नकाल नहीं हो पाएगा ऐसा माना जा रहा है। जिस तरह से कल प्रश्नकाल नहीं हो पाया, स्पीकर ने विपक्ष के नोटिस पर कहा कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इस वक्त नियमों के तहत भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर विपक्षी सदस्यों की तरफ से हो हल्ला हुआ। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए चर्चा की मांग स्वीकार करने के लिए स्पीकर से कहा, अगर विपक्ष इस पर चाहता है कि सदन में चर्चा हो तो इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। सीएम के कहने पर चर्चा की इजाजत दी गई। दूसरे दिन की कार्यवाही के अन्य सभी कार्य स्थगित करने पड़े। चर्चा के दौरान दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष सदस्यों के बीच नोकझोंक होती रही। अंत में जब मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे तो उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और चर्चा का जवाब सुने बिना ही नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। किस लिए होता है? प्रदेश में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए, तो सारा काम रोकने के बाद नियम 67 के तहत
ये प्रावधान किया गया कि पहले ये प्रदेश के हित में है, इस पर चर्चा की जाए। यहाँ नियम 67 का सदुपयोग कैसे किया जा रहा है कि जी विधायक निधि बंद होगी, जो संस्थान बंद हो गए, वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संस्थान खुले थे, संस्थान जो बंद हुए हैं वो भी जब लेके आना था तो उनको बताना चाहिए कि इस संस्थान में इतने सरकारी कर्मचारियों को हमने नियुक्ति की है, इतने डिस्टेंस पर है, इतना बजट सैंक्शन किया है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। हम भी इस बात पर गौर करते, कुछ नहीं लाए किसने। अभी जिस वक्ता ने बोला अगर उसके उनके वहां संस्थान खोले गए तो उनसे ये पूछना चाहिए था इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके लिए कौन से नॉर्म्स लिए गए हैं, कोई ऐसी चीज लाए नहीं। अब अभी एक वक्ता हमारे जो बोल रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि दो बच्चे और 5 टीचर है, ऐसे इस प्रकार के संस्थान खोल के क्या प्रदेश को हम सही दिशा से आगे बढ़ने ले जा सकते हैं। हमें इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आया, हमने कई बार कहा है हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हमारी सरकार और आगे बढ़ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए आज हमने नियम 67 के अंतर्गत बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान सरकार के खिलाफ, वो हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 से ऊपर संस्थान जो डिनोटिफाई कर दिए हैं उनको बहाल करने का था। और उस विषय पर जब हमने विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया तो अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया और उस पर चर्चा अभी चल रही थी। लेकिन मुझे बहुत हैरानी इस बात को लेकर के, जिस जिम्मेवारी के साथ मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए और जिन तथ्यों के आधार पर उनको सारी चीजों को लोगों के सामने रखना चाहिए, वो उस परिस्थिति में नहीं। निर्णय ले लिया है लेकिन अब असमंजस में है, संभाले कैसे, ये परिस्थिति उनके सामने हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जनून जैसा एक सवार हो गया, सरकार आने के बाद सीधा संस्थानों को डिनोटिफाई करने का उन्होंने क्रम शुरू कर दिया और 3 महीने का कार्यकाल उसी दौर में गुजर गया जहां वो संस्थानों को खुले वो संस्थानों को बंद करने का काम करते रहे। आज हमने इस बात के लिए पूछा कि पिछले 50 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने की प्रक्रिया यही रही है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थान पहले भी खुलते रहे हैं और एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे एक दिन भी कम जो कोई उसको कम नहीं कर सकता है। और ब्रेक के बाद नालागढ़ से अहम खबर, जहां एक सड़क हादसा पेश आया है, एक कार हादसे का शिकार हुई है, हादसे में 3 युवकों की मौत बताई जा रही है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अहम खबर नालागढ़ से, जहां एक सड़क हादसा पेश आया है, एक कार हादसे का शिकार हो गई है और इस कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये हादसा किस वजह से पेश आया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और बड़ी खबर नालागढ़ से, जगत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगत, क्या कुछ ताजा अपडेट्स पूरे मामले पर मिल पाए हैं? जी जैस्मिन, मैं बताना चाहता हूँ ये जो कार नंबर थी ये नालागढ़ की थी और इसमें जो युवक सवार थे, 2 युवक वो भी नालागढ़ के थे। ये कसौली से परवानु की ओर आ रहे थे, अचानक एक गांव आता है वहां पर जगेशु नामक एक गांव है, वहां पर जैसे ये कार सुबह करीबन 4 बजे के आसपास पहुंची तो ये 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण 3 युवक थे, तीनों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें से 2 युवक थे जो वो नालागढ़ के रहने वाले थे जबकि एक जो था वो हरियाणा के कुड़कुछ क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल कसौली पुलिस थाना की टीम को सूचित किया गया, उन्होंने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी। कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा कसौली में पेश आया है, फिलहाल
पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद जो शव है परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो पता चला है पुलिस की ओर से कि उनके जो परिजन है, परिवार वाले हैं, उनको ये इस घटना, दुखद घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 युवकों की मौके पर मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 नालागढ़ के रहने वाले थे जबकि एक जो युवक था वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा था। ये कसौली से परमाणु से होते हुए इन्होंने नालागढ़ की ओर आना था। जी ठीक है जगत, नजर आप बना के रखिए। पोस्टमार्टम के लिए 3 शवों को अभी फिलहाल ले जाया गया है, क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे जानेंगे आपसे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जगत। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन विपक्ष की ओर से काम रोको प्रस्ताव इस दिन लाया गया जिस पर पूरे दिन चर्चा हुई और विधानसभा में पूरे दिन सरकार और विपक्ष में नोक झोंक देखी गई। विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। इन सभी मसलों पर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, काम रोको प्रस्ताव, और पूरा दिन चर्चा हुई और काफी गहमा गहमी सदन में देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काम रोको प्रस्ताव रहा, वॉकआउट विपक्ष ने किया, क्या संतुष्ट नहीं थे मुख्यमंत्री के जवाब से? देखिए, एक बात को लेकर के जो फैक्ट्स थे उनको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिशें हुई। अगर टीचर्स की अगर पोस्टें खाली हैं हजारों की, सुनने का कि 12,000 पोस्टें खाली हैं, उस सारी चीज से नए संस्थानों का कोई लेना देना नहीं। नए संस्थानों में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, हम मानते हैं इसमें कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स होंगी, तब तक के लिए एडॉक अरेंजमेंट किया जाता है, कुछ ट्रांसफर करके, कुछ डिप्यूट करके, सो दैट कि उस इंस्टीट्यूट को फंक्शनल किया जा सके। तो मैंने इस बात को पूछा, मैंने कहा कि 12,000 अगर टीचर्स नहीं हैं तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जब तक 12,000 टीचर्स की नियुक्ति नहीं होगी तब तक के लिए हम नया कोई संस्थान नहीं खोलेंगे? ना उस पर वो कुछ बोले, और दूसरी बात जिस तरह का जवाब देने की उनने कोशिश की, गुमराह करने की सदन को कोशिश की, वो दुर्भाग्यपूर्ण। मैं समझता हूं हमने जो फैक्ट्स बताए उसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि संस्थान खुले थे, नोटिफिकेशन हुई थी, नोटिफिकेशन के बाद वो डिनोटिफाई की गई। प्रोसेस डिनोटिफाई करने का जो उनने फॉलो किया उस पर हमारा एतराज है। एतराज इसलिए है कि कैबिनेट ने खोले थे, बिना कैबिनेट के वो संस्थान रद्द करने का निर्णय किया। दूसरे, रिव्यू करते, रिव्यू के बाद अगर उनको लगता कि ये संस्थान उचित नहीं किया मापदंड के आधार पर तो भी विचार करते, हम तो भी सोचते कि चलो कि मापदंड के आधार पर। अब जो संस्थान कुछ खोल दिए गए हैं, डिनोटिफाई कर दिए हैं, कुछ को खोलने की बात कह रहे हैं कि हम इनको खोल देंगे, तो अब ना नॉर्म्स के मुताबिक, आखिरकार यानी कि सारा एक तरह का इस तरह से एक मैस क्रिएट हो गया, जिसको कह सकते हैं कंफ्यूजन है कि करना क्या है अल्टीमेटली। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के जवाब से बिल्कुल भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने एक ही बात कही कि आप एक काम करिए कि जितने भी संस्थान डिनोटिफाई हुए हैं एक बार उनको बहाल करिए। अगर संस्थान सरकार निर्णय विपक्ष की बात पर गौर नहीं करती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा, क्या योजना? हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम जहां संस्थान डिनोटिफाई हुए वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग जाएंगे और बात कहेंगे कि ये संस्थान आपको दिया और इसको छीना गया, बंद किया गया। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं और जो आंदोलन है डीनोटिफिकेशन के खिलाफ वो जारी रहेगा, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और खबर लाहौल स्पीति से, जहां बर्फबारी के बाद से बंद उदयपुर के दुर्गम इलाके मायड़ के छालिंग तक के सड़क मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। लोक निर्माण की टीम कई दिनों से इस मार्ग से बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। इस सड़क मार्ग के खुलने से घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। अधिशासी अभियंता इंजीनियर नेगी ने बताया कि खराब मौसम और हिमस्खलन के चलते विभाग के कर्मचारियों को उदयपुर खंडर छालिंग सड़क मार्ग खोलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यह रास्ता खुल गया है।
और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ। नमस्कार।